मेरे YouTube भाई और दोस्तों के साथ मैं उस हर एक जवान को मैं इंडिपेंडेंस डे का सैल्यूट देता हूँ जो हमारे लिए अपनी ज़िंदगी का परवाह नहीं करके हम लोगों को इस आज़ादी का मौका को सेलिब्रेट करने के लिए हमको मौका दिया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर अपना चैनल वेदर बजी जेवेरी। तो मैं जो आज टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो देखिए आपको आगे फ्यूचर में बहुत काम आएगा। अभी ये जो 3-4 महीना है बहुत सारा सीजन चेंज का महीना आ रहा है और आपका टेम्परेचर फ्लक्चुएशन करेगा दिन में। अभी जो टेम्परेचर चल रहा है एज़ पर ग्राफ जो मैंने ऊपर दिया है, देखिए 30 मैक्सिमम जा रहा है और मिनिमम जो रात में आ रहा है वो है 20-24। अभी ये टाइम पे आपका बर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप आपके बर्ड को टेम्परेचर को मेंटेन करें, ठीक है। तो टेम्परेचर मेंटेन करना देखिए आप मेडिसिन से कर सकते हैं, नेचुरल फूड से कर सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फूड यूज़ करने का कोशिश करता हूँ क्योंकि मेडिसिन देखिए आप सबको पता है हम लोग जितना आप मेडिसिन यूज़ करोगे आज आपका बर्ड का हेल्थ आपको अच्छा दिखेगा, बट इन नियर फ्यूचर जो है वो आपका बर्ड का हेल्थ उतना अच्छा नहीं रहेगा। वो आपको कभी ना कभी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बर्ड जो लॉन्जिविटी है बर्ड का, जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाता है आपका। तो इस वजह से आपको नेचुरल फूड यूज़ करना है। अभी हम लोग नेचुरल फूड कैसे यूज़ करेंगे, क्या क्या नेचुरल फूड्स हैं जो आपको इस वेदर चेंज में हेल्प करेगा। तो पहला जो आता है वो आपका होता है जो हम लोग बंगाली में सोजने पाता बोलते हैं। तो देखिए ड्रम स्टिक लीव्स। अभी देखिए मार्केट में ड्रम स्टिक्स अवेलेबल है, आपको मार्केट में ड्रम स्टिक लीव भी अवेलेबल होता है। नहीं है तो आपके आस पड़ोस में प्लांट्स तो होगा ही। अभी बारिश का मौसम है तो प्लांट्स का लीव आपको मिल जाता है जनरली, तो आप उसको यूज़ कीजिए। ड्रम स्टिक लीव्स का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो आपका बॉडी और आपका बर्ड का बॉडी को वो बहुत स्ट्रांग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, बहुत ही स्ट्रांग। आपका बर्ड जो है वो इस सीजनल चेंज में खुद को पकड़ के रखेगा। और दूसरा चीज़ ये है कि आपका बर्ड को ठंडा नहीं लगेगा क्योंकि उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो इस चेंजेस में उतना उसको प्रॉब्लम नहीं होता। तो आप किसी भी फॉर्म में यूज़ कीजिए। मार्केट में पाउडर फॉर्म अवेलेबल है जो मैं यूज़ नहीं करता। मैं जनरली इस लीव्स को जब मुझे मौका मिलता है मैं उसको पाउडर फॉर्म में कर लेता हूँ, मैं रॉ लेता हूँ और ड्रम स्टिक देता हूँ। अभी देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बहुत जानना ज़रूरी है कि बारिश के मौसम में आप ग्रीन लीव्स नहीं यूज़ कीजिए। तो आप ड्रम स्टिक मार्केट में अभी भी अवेलेबल है तो आप उसको यूज़ कीजिए और जब आपको धूप पड़े थोड़ा लीव्स को आप सुखा लीजिए। वो बहुत जल्दी पाउडर हो जाता है, बहुत इजीली पाउडर हो जाता है। उसको कंटेनर में, एयर सील कंटेनर में आप पाउडर के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है नीम का जो है। तो आप देखिए नीम के बारे में अब बोलने का ज़रूरत नहीं है, बचपन से हम लोगों को पता है कि नीम जो पाउडर है और नीम जो लीव्स है वो, या फिर नीम ब्रांचेस है, जो भी आपको अवेलेबल मिलता है। मेरे इधर देखिए मैं थोड़ा गांव के साउंड में रहता हूँ तो मेरे इधर प्लांट्स, लीव्स, ब्रांचेस सब अवेलेबल है। तो मैं हर तरीके का मैं चीज़ यूज़ करता हूँ। तो अगेन आप लीव्स डायरेक्ट मत यूज़ कीजिए बारिश के मौसम में, तो आप उसको पाउडर फॉर्म में यूज़ कीजिए या फिर आप उसका ब्रांचेस दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस आप दे सकते हो। आप कॉकटेल जो है वो ब्रांचेस च्यू करने में बहुत पसंद करता है, तो आप उस चीज़ को यूज़ कीजिए, ब्रांचेस यूज़ कीजिए। आपका आईवेरी में आपका सेपरेट केज है तो आप सेपरेट केज में यूज़ कीजिए। सेम एज ड्रम स्टिक आपका जो नीम है वो आपके बर्ड को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। एंटीबायोटिक, नेचुरल एंटीबायोटिक है, नेचुरली आपके बर्ड को वो अच्छा रखने का कोशिश करेगा। फूड के मामले में आप उसको कैरेट यूज़ कीजिए, बीट्स वगैरह यूज़ कीजिए। देखिए कैरेट और बीट ये जो है ये आपके बर्ड को विटामिन ए, विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स ये सब प्रोवाइड करता है। तो इस जो सीज़न है ये ब्रीडिंग सीज़न भी है और ब्रीडिंग सीज़न में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको विटामिन ए और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दें। तो इस हिसाब से आप उसको देखिए, अब तीन आप उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको एंटीबायोटिक्स भी यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर और फिर आप उसको विटामिन ए और बी भी दे रहे हैं।
तो आपका चिक्स जो है वो इम्यूनिटी के तरफ से भी वो बहुत स्ट्रांग रहेगा, और आपका चिक्स जो है वो विटामिन के हिसाब से भी वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। सेकंड आता है, आप उसको कैल्शियम प्रोवाइड कीजिए। तो कैल्शियम है वो आप किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। मेडिसिन के देखिए, मैं थोड़ा बहुत मेडिसिन यूज़ करता हूँ कैल्शियम में, क्योंकि जो क्वांटिटी में बर्ड को मेडिसिन का ज़रूरत रहता है वो हम लोग नेचुरली उतना प्रोवाइड नहीं कर पाते। हाँ, आपको एक शेल पाउडर है, आप कटल फिश बोन दे सकते हो, मार्केट में कटल कैल्शियम ब्लॉक्स आ जाता है, बट फिर भी आप, मैं इस मामले में मैं बोलता हूँ कि आप कैल्शियम का थोड़ा लिक्विड या सस्पेंशन या जो भी है आप यूज़ कर लीजिए उसको, तो वो आपके बर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। और चौथा जो पॉइंट है, जो सीज़न, इस सीज़न चेंज में आपको बहुत ध्यान देना है, वो है आप आपका केज और एवियरी जो है वो आप कवर रखिए। अब कवर का मतलब ये नहीं है टोटली चारों साइड से कवर कर दिया फिर अंदर कोई एयर सील या एयर टाइट का हो गया, बहुत गर्मी हो गया, ऐसा नहीं। जनरली अगर कोई सेपरेट केज रहता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि आप जो है उसको आप थोड़ा तीन साइड से आप उसको कवर कीजिए और एक साइड खुला रखिए। इससे क्या होता है कि आपका एयर सर्कुलेशन भी रहेगा और आपका जो केज है वो वार्म भी रहेगा। आपका अगर ओपन एवियरी है, जैसे मेरा है ओपन मिनी एवियरी, जो आप लोगों को मैंने बहुत बार दिखाया है, इसमें ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी मैंने आपको दिखाया है, ऊपर लिंक में दिया हुआ है ब्रीडिंग प्रोग्रेस का लिंक, तो आप उसको जब भी जाके चेक कीजिए। जो ओपन एवियरी है वो उस टाइप का अगर आपके पास कुछ है तो आप उसको कवर अप कीजिए। अगेन टोटल साइड से कवर अप नहीं, प्लास्टिक से थोड़ा अवॉइड कीजिए कवर करना, ऑल साइड से। थोड़ा बहुत साइड में प्लास्टिक आपने डाल दिया ठीक है, बट एक या दो साइड आप उसको क्लॉथ से कवर कीजिए, तो उसमें क्या रहता है कि वर्म भी रहता है और एयर सर्कुलेशन भी रहता है, ठीक है। कि कोई कोई दोस्त मेरे जो अभी अभी बर्ड फील्ड में आ रहे हैं शौक से या अपने अपना जो भी मोटिव है उस हिसाब से, तो वो क्या करते हैं चारों तरफ से प्लास्टिक से घिर देते हैं। तो अब जब वो प्लास्टिक देते हो तो आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि प्लास्टिक एयर सर्कुलेशन नहीं करता है, वो एयर को अंदर पकड़ लेता है, तो वो थोड़ा डेंजरस हो जाता है पंछी के लिए। तो आप उस चीज़ को ध्यान दीजिए कि आप चारों साइड से प्लास्टिक से कन्वर्ट कवर मत कीजिए। प्लास्टिक आप कहाँ देंगे, जहाँ आपके साइड में आपको लगता है कि बारिश आ सकता है या बारिश का छींटा रात में आ सकता है, उस साइड में प्लास्टिक दीजिए। मगर अगर आपके कहीं पर है कि वहाँ से सिर्फ हवा आ रहा है तो वहाँ पे आप प्लास्टिक मत यूज़ कीजिए, वहाँ पे आप क्लॉथ से यूज़ कीजिए। मैं जनरली कॉटन क्लॉथ यूज़ करता हूँ, जो मम्मी का पुराना साड़ी हो गया या कोई बेड कवर हो गया, ये सब से मैं ऑलवेज यूज़ करता हूँ अपने एवियरी को कवर करने के लिए। तो ये क्या रहता है, आपका एवियरी को थोड़ा बहुत गर्म भी रखता है और एज अमाउंट ऑफ एयर सर्कुलेशन भी रखता है, ठीक है। और देखिए, वेदर चेंज में आप अपने बर्ड को हर वक्त ख्याल रखिए कि कोई पंछी जो है वो इनएक्टिव ना हो गया हो, या फिर कोई पंछी है जो आपका थोड़ा ठंडा ना लग गया हो, तो अगर उस तरीके का आपके पास कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप उसको तुरंत से तुरंत उसको ट्रीटमेंट कीजिए अलग। अगर ओपन एवियरी है तो उस बर्ड को अलग कीजिए, उसको थोड़ा हीट सोर्स या वार्म सोर्स आप देने का कोशिश कीजिए। और हफ्ते में एक दो बार अगर आपको लगता है कि आपने देखिए, ये अपना अपना जो पर्सनल व्यूज़ रहेगा, आपको अगर लगता है कि हाँ मैंने उतना विटामिन्स या फिर जो भी है वो यूज़ नहीं कर पाया, तो देखिए ये अपना अपना व्यू होता है। आपको अगर लगता है कि आपने विटामिन जो है आप यूज़ नहीं कर पाए, तो उस हिसाब से आप एक कीजिए कि आप थोड़ा बहुत मल्टीविटामिन यूज़ कर लीजिए। अब देखिए, मार्केट में बहुत सारा मल्टीविटामिन्स है, आपको जानना ज़रूरी है कि आपके बर्ड को कौन सा मल्टीविटामिन है जो आप प्रोवाइड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ज़्यादा महंगा मैंने मेडिसिन ला दिया तो मेरा बर्ड उससे बहुत इम्पॉर्टेंट जो है हेल्थ फैक्टर बढ़ेगा। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कौन सा मेडिसिन है, कौन सा मल्टीविटामिन है जो आप यूज़ करते हो या फिर जो आपको यूज़ करना चाहिए। अभी अगर आपका कॉकटेल है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ए और बी विटामिन जो है उस जो विटामिन में है तो वो यूज़ करना है। थोड़ा बहुत डी होना चाहिए, थोड़ा बहुत ई होना चाहिए, तो वो सब चीज़ आप देख लीजिए कि आपको कौन सा विटामिन ज़्यादा सूटेबल लगता है अपने बर्ड के लिए। मैं कोई प्रमोशनल वीडियो तो नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसके लिए कोई भी मेडिसिन का ज़्यादा अलग से नाम नहीं लूँगा।
बाकी जो है आप विटामिन प्रोवाइड कीजिए। विटामिन प्रोवाइड करने का मीनिंग आपको समझना चाहिए। देखिए विटामिन जो है वो आपका बर्ड को थोड़ा वार्म रखता है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से विटामिन यूज़ कीजिए कि आपका बर्ड का जो बॉडी टेम्परेचर है वो ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो उस हिसाब से हफ्ते में एक बार, दो बार, वीकेंड में एक बार आपने दे दिया, वो ठीक है। बट आप रेगुलर मत यूज़ कीजिए। ये मत समझिए कि मैं रेगुलर विटामिन यूज़ कर लिया तो मेरा पंछी बहुत अच्छा हेल्थ होगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत मिसकंसेप्शन है। आपको कोई भी मेडिसिन अगर यूज़ करना है तो उसका यूजेस आप देखिए, उसको उसका कंपोनेंट्स आप देखिए, और फिर आपका बर्ड का रिक्वायरमेंट आप देखिए। तो आपने अगर हर वीक में हर एक वेजिटेबल्स, हर एक जो मार्केट में अवेलेबल है, जितना वेजीज है, कैरेट्स है, बीट है, स्वीट पटाटो है, जो भी मार्केट में अवेलेबल है, आपने वीकली उसको हर एक दिन हर एक चीज़ से कॉम्बिनेशन से आप उसको खिला दिए, तो आपको ट्रस्ट में आपको मल्टीविटामिन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये मैंने यूज़ किया है और मैं आज 1.5 साल हो गया है, मेरे घर पे अभी भी सील्ड पैक विटामिन पड़ा हुआ है। मैंने उसको ओपन भी नहीं किया क्योंकि मेरे पंछी को ज़रूरत नहीं पड़ता। तो आप भी इस जो ये जो पढ़ाई है, नॉलेज है, आप इसको लीजिए। इसको इसको पढ़िए, यूट्यूब के माध्यम से, ब्लॉग के मतलब से, आप बुक्स पढ़िए, हर एक फूड का कंटेंट पढ़िए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको बर्ड को क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो यही है जो आज का है। जो आप अपने बर्ड को मेंटेन कीजिए, वेदर चेंजेस में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है बर्ड को मेंटेन करना। स्पेशली जब मेरे तरह ओपन एवियरी है तो उसमें ज़्यादा चैलेंजेस है आपको बर्ड टेम्परेचर में, क्योंकि देखिए मेरे इधर तो कम बर्ड है। मैं बार बार बोलता हूँ मेरे इधर बहुत कम बर्ड है, क्योंकि मैं कुछ मेरा बच्चे का स्टॉक रह गया था और उसको मैं अभी एवियरी पे छोड़ दिया है। तो इन फ्यूचर आप जुड़े रहिए तो देखिए मेरा बर्ड का एवियरी जो है वो कैसे ग्रो करता है और फिर कैसे मैं उसको मेंटेन करता हूँ। ये चैलेंज जो है बहुत अच्छा लगता है मुझे, जब मैं बर्ड रिलेटेड कुछ अपडेट करता हूँ और कुछ अच्छा लगता है जब मेरा बर्ड ये मेरे नहीं है, आपके पास भी बर्ड है, तो आपके बर्ड अगर हेल्दी है और आपके बर्ड अगर स्वस्थ है, खुश है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और जब आपको अच्छा लगता है तो आपका खुद का हेल्थ भी बहुत अच्छा रहता है। मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ कि बर्ड सिर्फ एक पेट नहीं है, बर्ड एक हैप्पीनेस है। ये जिसके पास है उसको ही पता है कि ये किस तरीके से आपको इनर पीस और इनर हैप्पीनेस देता है। आपका कोई भी टेंशन हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप कुछ देर के लिए उसके साथ बैठेंगे तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप बर्ड नहीं है, आप लेने के लिए सोच रहे हैं, तो इतना सोचिए मत। ज़्यादा महंगा बर्ड आप मत लीजिए, छोटा बहुत मार्केट में अवेलेबल है, छोटा से छोटा, थोड़ा मीडियम साइज़ में कॉकटेल। मैं कॉकटेल करता हूँ, मुझे कॉकटेल बहुत पसंद है। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका मूवमेंट है, इसका जो टेमनेस है, इसका एक एक इंडिविजुअल बर्ड का एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो ये मुझे बहुत हैप्पीनेस देता है। मैं हर वक्त अपना ओपन एवियरी में जब भी टाइम मिल जाता है मैं बैठ जाता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ, उनके साथ। अभी देखिए खेलने का मतलब है कि ये जैसे अभी देखिए ये सब आ गए हैं, तो ये जब मेरे साथ आता है, ये बैठता है, और ये जब मेरे साथ मतलब जो भी है मेरे साथ रहता है, तो मुझे बहुत हैप्पीनेस मिलता है। मैं इनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मैं हर वक्त वेट करता हूँ कि कब मैं उनके साथ जाऊँ और टाइम स्पेंड करूँ, और उसी टाइम में मैं आपके पास भी आता हूँ नया नया टॉपिक लेके, वीडियोस लेके, जो आपको ज़रूरत है आपके बर्ड के लिए, या आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन जितना मुझे है मैं आपको देता हूँ। एक चीज़ मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, प्लीज़ 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 आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो दूँ आपके पास अलर्ट जाए। तो चैनल पे सब्सक्रिप्शन करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, फ्री है, बट आप जब मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। मोटिवेशन देखिए सबको ज़रूरत होता है, मुझे भी ज़रूरत होता है। जब मोटिवेट कोई हो जाता है तो आपके पास कंटेंट लाना भी मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है। मुझे जब आप रिस्पॉन्ड करते हो मेरे कंटेंट पे, तब मुझे पता चलता है कि आपको नेक्स्ट क्या कंटेंट देना है, और कंटेंट का क्वालिटी जो है वो धीरे धीरे मैं और अच्छा करने का कोशिश करूँगा। देखिए फ़िलहाल तो मैं कुछ चीज़ लिख के नहीं लाता क्योंकि उतना टाइम मुझे नहीं मिलता है,
मैं जैसे इनके साथ रहता हूँ आपके पास भी आता हूँ, जनरली जितना दिमाग में आता है उतना मैं बता के जाता हूँ। आप थोड़ा बहुत इनको फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके बर्ड को कुछ नहीं होगा। आज आज देखिए, मैं सिंगल केज से ओपन एवियरी में बर्ड छोड़ा, ये चैलेंजेस था, मैं उस चैलेंजेस को ओवरकम किया है। और जो भी फूड वगैरह है मैं उनको डेली के डेली चेंज करके देता हूँ। न्यूट्रिशन जो है वो डेली मेरे पास न्यूट्रिशन टेबल है, टेबल के ऊपर एक कंटेंट बनाऊंगा ताकि आपको पता चले कि हर दिन आपको क्या क्या वेजीज देना है, क्या क्या आपको फूड्स वगैरह देना है, ताकि आप मेडिसिन जो है वो कम से कम यूज़ कर सके और आपका बर्ड जो है वो नेचुरली हेल्दी बने। तो मेरे जितना भी व्यूअर्स है, कल के दिन अपने लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कल हम लोगों का आज़ादी का दिन है। तो मैं सब व्यूअर, सब सब्सक्राइबर और सब यूट्यूबर्स जो है उनको मैं अपने तरफ से और मेरे एवियरी के तरफ से आपको मैं जय हिंद बोलता हूँ और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलता हूँ। कल का दिन आप बहुत इंजॉय कीजिए, क्योंकि कल का दिन जो है अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरे यूट्यूब भाई और दोस्तों के साथ मैं उस हर एक जवान को मैं इंडिपेंडेंस डे का सल्यूट देता हूँ, जो हमारे लिए अपनी ज़िंदगी का परवाह नहीं करके हम लोगों को इस आज़ादी का मौका को सेलिब्रेट करने के लिए हमको मौका दिया है। और मैं उस हर एक फैमिली को सल्यूट करता हूँ जिसने अपने बेटा और जिसने अपने भाई को या जिसने अपने पति को अपने देश के लिए आगे कर दिया है। तो जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।